जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और ये आंदोलन बहुत व्यापक होगा। अब ये आंदोलन में सारे वर्ग के लोग कूद पड़े हैं। जाजा खत्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे? अडानी मारेगा मजा, धुआं हम खाएंगे, माल वो मारेगा। अडानी कोल कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा आज अचानक उबाल पर आ गया। कई गांव वाले खासकर गोदलपुर गांव के लोग गोलबंद हो गए। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतर आए। जवान से लेकर बूढ़े बूढ़ी तक हाथों में तख्तियां लिए गोदलपुर गांव से मीलों पैदल चल प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचे। अडानी कोल कंपनी के चलते उजड़े परिवार, रैयत किसान और गाँव वाले आज सुबह 7 बजे रैली निकाल करीब 25 किलोमीटर तक पैदल चल अपनी जमीन को बचाने के खातिर हांफते रहे। चलने फिरने में लाचार और बेबस लोग को लाठी का सहारा लेकर रैली में चलते हुए देखा गया। सभी अडानी कोल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय तक पहुंचे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से झारखंड के गवर्नर एवं बड़े आला अधिकारियों के नाम उन्हें मांग पत्र सौंपा। एक दिवसीय विशाल रैली जनसभा में बदल गई। रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश के हर कोने को छोड़ आखिर कोल खनन कंपनी हजारीबाग में ही डेरा क्यों डालती है? हजारीबाग के लोग केवल धुआं खाने को है। अडानी गोड्डा में प्लांट खोल बिजली बांग्लादेश को भेज रही है, वहीं स्थानियों को नौकरी नहीं देकर बाहरी मालामाल हो रहे हैं। बेशक चाहे जो हो जाए किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि अगर गांव वाले इसी तरह एकता बनाए रखेंगे, कोई टूटे झुके या नहीं बिकेंगे, तो ग्रामीणों के मर्जी के बिना अंबा प्रसाद अडानी को गोदलपुर गांव में घुसने नहीं देंगी। भोले भाले ग्रामीणों पर फर्जी केस कर उन्हें सताया डराया जाता है। ऐसे फर्जी मामलों को चेकआउट कर वो बेकसूर लोगों को फर्जी मुकदमे से बाहर निकालेगी। जनसभा में मौजूद लोग नारे लगाते रहे, अडानी कंपनी वापस जाओ, जल जंगल जमीन हमारा है, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। विकास के नाम पर जल जंगल जमीन उजाड़ना बंद करो। खेती हमें खिलाता है, खदान हमें खाता है, किसान भारत देश की शान है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, कंपनी के इशारों पर ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमा करना बंद करो। गोदलपुर के दलालों होश में आओ, जैसे नारे लगाते हुए अडानी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के लिए चीखते रहे। वहीं इस आंदोलन को लेकर अडानी कंपनी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक जिम्मेदार को जब फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। सुने क्या बोली विधायक अंबा प्रसाद और बाकी आंदोलनकारी। सरकारी दस्तावेज हम लोगों के पास मजबूत है कि वहाँ पे विरोध हो रहा है, और अगर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, अगर ग्रामीण नहीं चाहते तो वहाँ पे अडानी घुस ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ग्रामीणों का समर्थन लेना होता है कोई भी कंपनी को। तो निश्चित रूप से अगर उसके बाद भी घुसने का काम कर रहा है तो ये बिल्कुल अवैध है, और इसके विरोध में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कुछ लोगों को यहाँ से लेके गए थे और उनके संज्ञान में भी ये मामला डाले, लेकिन हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट रहना होगा, क्योंकि गांव में टूट फूट और ये लोग फोड़ो और बाटो वाला राजनीति करने का काम करता है कंपनी, जिस तरह से पकड़ी बरवाड़ी में किया है, जिस तरह से चट्टी बरातू में किया है, जो आप खुद एक पत्रकार के तौर पर आप वहाँ जाके देखे हैं। तो निश्चित रूप से हम जहाँ तक हो सकता है हम लोगों के साथ हैं, और किसी भी तरह से लोग जब तक ईमानदारी से अपना ज़मीन बचाने का संघर्ष करेंगे तब तक हम उनके साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर रखेंगे, और हर हाल में यहाँ पे कंपनी घुस नहीं सकती है लोगों के बिना सहमति के ऊपर। कुछ फर्जी मुकदमा का मामला है, उसको किसी भी लेवल पे हम जाके उसको उस फर्जी मुकदमे से निकालने का संघर्ष करें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पैसा किसी ने नहीं उठाया है, तो तब तक जब तक यहाँ के लोग उस चीज़ से पूरा मजबूती से ईमानदारी से रहते हैं एकजुट और पैसा नहीं उठाएंगे, तब तक अंबा प्रसाद यहाँ अडानी को घुसने नहीं। सिर्फ गंदरपुरा के पंचायत के गांवों तक सीमित नहीं रहा, अब ये बड़का गांव के हर एक पंचायत हमारे हजारीबाग जिला तक ये आंदोलन पहुंच चुका है, और ये आंदोलन बहुत व्यापक होगा। अब ये आंदोलन में सारे वर्ग के लोग कूद पड़े हैं, क्योंकि ये हमारे करियर की बात है कि जब जमीन हमारी है और जमीन हम नहीं देना चाहते हैं तो हमको जबरदस्ती क्यों छीनने का काम कर रहे हैं, यानी ईमानदारी कर रहे हैं। हम लोग बोल दिए और हम लोग अपना जो है पहले को नारा लगता था जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, यहाँ पर बता रहे हैं औने पौने भाव से। झारखंड में ही
आपको बता रहे सब कंपनी यही का लूटने आता है, चाहे चतरा में जाए, चाहे तो बड़का गांव में जाइए, या तो कोडरमा में जाइए, या तो धनबाद में जाइए, सब यहाँ लगाने का है आता। और भारत में कहो जगह नहीं है, ये जंगल की भूमि है, जंगल काट दे रहा है, धुआं हम खाएंगे, माल वो मारेगा, बच्चों का भविष्य मेरा बर्बाद होगा, हमारे बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद होगा, साथ ही साथ हमारा बीमार पड़ेगा, ये सब सारी चीजों को हम खाएंगे। और अडानी मारेगा मजा उसको, ये चीज हम लोग नहीं करेंगे। और जरूरत पड़ा तो अभी तो सिर्फ गोंदलपुरा के लोग आए हैं, मैं पूरे झारखंड का आदमी यहाँ पर 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जितना जरूरत पड़ेगा उतना लाएंगे, लेकिन हम गोंदलपुरा का जमीन को किसी भी हाल में अडानी को लेने नहीं देंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आगे करके कंपनी किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, तो उसको उसके आंदोलन को कुचलने के लिए उस पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं, और बहुत तरह सैकड़ों मुकदमे हुए हैं निरीह जनता के ऊपर। तो इसके खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, और आज बड़का गांव प्रखंड अधिकारी, अंचल अधिकारी और यहां पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग राज्यपाल तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे कि यहां के किसान अपना खेती से खुश है, जमीन हम लोग देना नहीं चाहते। अडानी लगातार यहां पर कोशिश कर रही है कि गोंदलपुरा की जमीन का हम भूमि अधिग्रहण करें। दो तीन विषय हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप किसी का जमीन अधिग्रहण करते हैं, जमीन एक ऐसी संपत्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, उससे पीढ़ियां हमारे एक तरीके से अपना रोजगार करती हैं, अपना जीविका का अर्जन करती हैं, उनका जीविका उपार्जन होता है। जब आप देखते हैं कि अगर कोई भी कंपनी जमीन का अधिग्रहण करती है, आप देखते होंगे कि इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी जमीन का आप अधिग्रहण करते हैं और 5 साल तक अगर कोई परियोजना नहीं लगती है तो उन जमीनों को वापस कर दिया जाता है। यहाँ पर अभी परियोजना नहीं लगी है, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आप इसके सोशल इम्पैक्ट को पहले आप रिव्यू कीजिए, सामाजिक जो इसका प्रभाव पड़ेगा। अडानी का प्रोजेक्ट यहाँ लगेगा तो अडानी के प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ठीक उदाहरण आपने गोड्डा में देखा। गोड्डा में जब पावर प्लांट लगा, ये कहा गया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को वहाँ पर एक तरीके से कुछ प्रभाव पड़ेगा अडानी के प्रोजेक्ट लगने के बाद, लेकिन अडानी का जब गोड्डा में प्रोजेक्ट लगता है तो बांग्लादेश बिजली भेजी जाती है और उस बिजली से बांग्लादेश जो है रोशन होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जमीन है वो हमारी पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को बचाने की लड़ाई नहीं है। और अगर गोंदलपुरा के इस पूरे इलाके में, बड़का गांव के इलाके में अगर एक इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, इतनी बड़ी जनभावनाएं हैं जो लगातार ये कह रही है कि हम जमीन नहीं देंगे, तो कंपनी को, प्रशासन को एक तरीके से इस बात पर, इस जनभावना का सम्मान करना होगा, अदरवाइज ये आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का जनाक्रोश है वो बहुत विशाल हो चुका है। कीमत पर उसको रद्द करना है, हम लोग कंपनी को चाहते नहीं है, हम लोग को कंपनी आने से हम लोग को बहुत भारी नुकसान है, पूरी जमीन जायदाद खत्म हो जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे, अभी दूसरे गांव में जा करके बसेंगे तो कौन जमीन बेचने वाला है, कोई नहीं जमीन बेचता है, हम लोग कहाँ जमीन बेच करके और कहाँ जमीन खरीदेंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग अपना जमीन अपने पास ही रखेंगे, हम लोग के पास जमीन रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो अडानी है कैंसर, और कैंसर के भांति किसानों के जो जमीन हड़पने पर लग गई उसको यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर से कोई मतलब नहीं, उसको पैसा से मतलब है। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू और शिव नारायण साहू की रिपोर्ट।